महीने से मंत्री बने हो, उप मुख्यमंत्री बने हो, ठीक है, विजय सिन्हा जी ने पांच पांच बड़े महत्वपूर्ण विभाग को अपने पॉकेट में डालने का काम। और साथियों, नीतीश बाबू एक दो बार छोड़ दीजिए, ये तो पलटी मारने के स्पेशलाइज हो गए हैं। नीतीश कुमार को इस बार गद्दी पर कंधे पर नहीं बैठाने का काम है। वो लोग अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, पक्षवादी एक गठजोर बनाने का काम कर रहे हैं। और साथियों, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी है। और साथियों, हम लोगों ने 4 तारीख का हम लोगों ने आरक्षण कराया। साथियों, ये मिलर स्कूल का मैदान है। लोगों के बीच में भ्रम फैलाया गया कि हमने आरक्षण नहीं कराया। हम लोगों के पास शिक्षा विभाग का आदेश है साथियों, 1 नवंबर को ही आरक्षण कराया। लेकिन जिसके साथ काम कर रहे हैं नीतीश बाबू, हम लोग क्या सम्मान कर रहे हैं आपको दिए। आपने भाजपा के कार्यालय के सामने गेट बना दिया, हम लोगों ने छुआ तक नहीं, ये है सम्मान। और आपने जबरदस्ती कब्जा कर लिया मिलर स्कूल के मैदान, तब हमको सड़क पर आना पड़ा। नीतीश बाबू, हम भूलते नहीं हैं, हमने साफ तौर पर कहा है हम रोड पर चले जाएंगे, संघर्ष करेंगे। और नीतीश कुमार जी और इंडी गठबंधन के लोगों को स्पष्ट बताना चाहते हैं, 2019 में भाजपा की कृपा से 16 सीटें मिल गई थी आपको। इस बार जनता वो भी गलती करने वाली नहीं है। इस बार पिछले बार लालू प्रसाद का खाता नहीं खुला था, इस बार नीतीश जी आपका भी खाता। और जिस कपूरी ठाकुर जिसने 67 में पहली बार सोशलिस्टों को जोड़कर, जनसंघ को, लोगों को जोड़कर पहली बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया साथ। 1970 में जनसंघ के लोगों ने कपूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। 77 में जब बिहार में पिछड़ों को सम्मान मिल रहा था, रिजर्वेशन मिल रहा था, तो सरदे कैलाशपति मिश्र जी उस सरकार को समर्थन देने का काम कर रहे थे साथ। ये लोग चाय दुकान पर जाइए, लोग कहेगा कि सबसे ज्यादा आरक्षण का समर्थक कौन है, राजद है। अरे राजद का आरक्षण का मतलब समझते हैं? राजद का आरक्षण का मतलब है 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद जी एक बता दे रहे कि व्यक्ति का नाम बताइए जिसको अपने 15 साल के शासनकाल में किसी को आरक्षण दिया हो। लेकिन आरक्षण दिया तो श्रीमती राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर कहा ये मेरा बेटा है, ये है तेजस्वी यादव, जब ये क्रिकेट खेलने जाता था तो इससे पानी डुबाने का काम करता था, इसको बिहार का उप मुख्यमंत्री बना। देश के लिए क्रिकेट भी नहीं खेला साथियों। फिर कहा कि एक मेरा दूसरा बेटा है, इसको मंत्री बना दो। अभी रामकृपाल जी चले गए, उनके घर में कोई घटना घट गई है साथियों। जब रामकृपाल यादव ने मीसा यादव को पाटलिपुत्रा की धरती पर चुनाव हरा दिया, तो लालू जी ने कहा मेरी बेटी को आरक्षण दो और इसको राज्यसभा से सांसद बना दो। यही है लालू यादव का। आप सोचो साथियों, एक तरफ गरीब का बेटा, गरीब चाय बेचने वाले का बेटा आज देश के गद्दी पर नरेंद्र मोदी बैठा है और गरीबों की चिंता करता है। मैं तो चैलेंज करता हूं साथियों, ये 10 वर्ष नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत श्रेष्ठ हुआ और ये मोदी की गारंटी है साथियों। इस देश में कोई दूसरी गारंटी नहीं है, एक ही गारंटी है, मोदी की गारंटी। हम किसी भी स्तर पर विकास पर चर्चा करना है, रोजगार पर चर्चा
राष्ट्र बनाने पर चर्चा कर रहा है, हॉस्पिटल बनाने पर चर्चा कर रहा है। अभी गए थे यूरोप, अभी गए थे मंगल पांडे जी, अभी बंगाल चले गए, अभी ये लोग गए थे समस्तीपुर में राम जानकी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने। इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने हॉस्पिटल बनाने का काम किया। आपको पता है उसमें भी 200 करोड़ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया, और साथ ही साथ ये भी बताने का काम करता हूं साथियों, जब मंगल पांडे जी बिहार में स्वास्थ्य मंत्री थे तब राम जानकी मंदिर जो हॉस्पिटल है उसका शिलान्यास करने का काम किया। अरे आप क्या किए हो, ये जो 15 महीने से मंत्री बने हो, उप मुख्यमंत्री बने हो, ठीक है, विजय सिन्हा जी ने 5-5 बड़े महत्वपूर्ण विभाग को अपने पॉकेट में डालने का काम किया। भाजपा के 39 विधायकों ने, यहाँ प्रेम जी बैठे हैं कंधा पर बैठा कर मुख्यमंत्री बनाए थे, लेकिन लालू जी को शर्म नहीं आता है। और साथियों नीतीश बाबू 1-2 बार छोड़ दीजिए, ये तो पलटी मारने के स्पेशलाइज हो गए हैं, ये तो पलटासन वाले नेता हो गए, कभी इधर पलटी मारिए कभी उधर पलटी मारिए। लेकिन साथियों कान खोल कर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का स्पष्ट फैसला है, नीतीश कुमार को इस बार गद्दी पर कंधे पर नहीं बैठाने का काम, कोई कीमत पर नहीं। साथियों भारतीय जनता पार्टी और आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो सभी को कंधे पर बैठाते बैठाते भाजपा के कार्यकर्ताओं का कंधा दुख गया है। अब 2024 और 25 में सिर्फ भाजपा की सरकार बनाना है और एक एकदम स्पष्ट है, इस तरह बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया बिहार में तीन चीज मिलेगा। मैंने पिछले दिनों कहा था आप राजद के कार्यालय में किसी दिन घूमने चले जाओ, जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में घूमने चले जाओ, तीन ही तरह का व्यक्ति मिलेगा, या तो शराब माफिया होगा, या तो बालू माफिया होगा, नहीं तो जमीन माफिया होगा। लेकिन मैं गारंटी देता हूं साथियों, भारतीय जनता पार्टी आपको गारंटी देती है 2025 में सरकार बनाइए, ये माफिया है या तो नेपाल भर जाएगा, नहीं तो गया में पिंड दान देने का काम करेगा। कोई अपराधी बच नहीं सकता है, कोई गुंडा राज स्थापित नहीं कर सकता है। और लालू जी और नीतीश जी के राज में पहले तो जीतन राम मांझी मंत्री होकर आए थे 2005 में, तो सिर्फ 4 सीटें थे तो हटा दिए। आज सरकार में 16 ऐसे मंत्री हैं जिनके खिलाफ 4 सीट है, और हत्या लूट बलात्कार नाखून उखाड़ने का कांड, कई ऐसे विधायक हैं राजद के जिन्होंने हत्या लूट बलात्कार करने का काम किया। लेकिन साथियों बिहार बदलना, लोग कहते हैं हमारी बहनों को जब नीतीश कुमार देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमने शराबबंदी कर दिया, 2016 में इसको बंदी का निर्णय नीतीश कुमार जी ने लिया तो 11,000 से अधिक शराब की दुकानें हो गई। इसका मतलब है नीतीश कुमार जी ने 11 गुना शराबी बनाने का काम किया था। और साथियों एक चीज जानिए, कल तक 350 रुपया में बोतल मिल जाता था, आजकल क्या रेट है देखिए, सबको पता है, अब सबको पता है, एक फोन घुमाइए और होम डिलीवरी घर में पहुंच जाए, नीतीश कुमार का राज। इसलिए साथियों मैं आग्रह करूंगा और निवेदन करूंगा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, जिस तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनको भारत रत्न दिया, मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि उठकर खड़े होकर खड़े हो जाइए और सभी लोग ताली बजाकर नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देने का काम Thank you.
आप लोग सभी लोग यहाँ पहुंचे, मैं स्वागत का धन्यवाद देते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को एलिट संस्थान पटना की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हम सभी मिलकर के इस राष्ट्र को मजबूत और इस राष्ट्र को प्रगतिशील कैसे बनाएं, इस पर चिंतन करने का आज दिन है। 2025 हमारे लिए ऐसा वर्ष हो जो हम राष्ट्र को एक नई ऊंचाई दे पाने में समर्थ हो पाए। हम समाज के किसी भी क्षेत्र में क्यों नहीं कार्यशील हों, हम चाहें कि इस राष्ट्र की मजबूती, इसके सामाजिक और वैश्विक स्तर पर इसकी उपयोगिता कैसे प्रमाणित हो सके, इस पर लगें और हम अपने आप को वहां तक पहुंचा पाएं। अमरदीप झा गौतम, एलिट संस्थान पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।